भाई यार अब तुम गेगे को गाली देना बंद करो और दो मिनट इस बात को सुन लो। अब ये बंदा चाहे तो मैं पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम ये बात मान लो, जुजुत्सु काइसेन में अभी इससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अगर ये अपनी सिक्स साइज को फिक्स कर ले तो फिर तो इसके सामने सुकुना भी नहीं टिक पाएगा। और यार ये चीज तो जुजुत्सु काइसेन का हर एक फैन को पता होगी कि यूटा के पास अपनी कर्ज टेक्निक के साथ साथ केंजागो की टेक्निक्स और गोजो की टेक्निक्स भी हैं, जिनकी मदद से यूटा सुकुना के साथ फाइट कर सकता है और इस चीज से शायद यूटा सुकुना को हरा भी दे। बट यार यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यूटा दूसरों की कर्ज टेक्निक को कॉपी कर सकता है, बट लेकिन ये चीज गोजो के केस में नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस बार कोई कॉपी करी हुई टेक्निक को यूज नहीं करेगा, बल्कि एक बॉडी पार्ट को यूज करने वाला है जो कि यार उसके पास कभी नहीं था, गोजो की सिक्स साइज। और गोजो इससे क्या क्या कर सकता है और क्या क्या देख सकता है ये सिर्फ गोजो को ही पता है। और गोजो इन्हीं के साथ पैदा हुआ था, लेकिन हमें पता है सिक्स साइज उसको दिक्कत देती थी। लेकिन यार क्वेश्चन इज कि क्या यूटा सिक्स साइज को हैंडल कर पाएगा, क्योंकि यार यूटा उनके साथ बॉर्न नहीं हुआ और ना ही ये कोई कर्ज टेक्निक है, तो यूटा को टाइम तो लगेगा इसके साथ कंफर्टेबल होने में, बस यार वो 5 मिनट से ज्यादा का ना हो, क्योंकि हमें मिमी ने पहले ही बता दिया 5 मिनट के बाद यूटा के साथ क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात है, अगर केंजाकु की इस एबिलिटी की रिक्वायरमेंट के साथ रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टेंट एक्टिवेशन, तो यूटा मारा जाएगा। या फिर सेकंड वन, वो थोड़ी देर बाद मरे, या फिर इन सब में से सबसे ज्यादा बेस्ट वो गोजो की बॉडी में ही रह जाए। और यार ये चीज मुझे क्या आप लोगों को भी बहुत ज्यादा सही लगेगी, क्योंकि यार इतना सब कुछ होने के बाद यूटा को गोजो की बॉडी में रहना चाहिए। और यार तुम लोग ये मान लो ये गेगे की कोई बैड राइटिंग नहीं है, और यार चलो मान लो ये यूटा नहीं, ये यूटा की बजाय यूजी करता और वो गोजो की बॉडी पर टेक ओवर कर लेता उई उई की सोल स्वैप टेक्निक से, तो क्या यार तुम लोग इसके लिए भी गेगे को गाली देते? तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना। और इसका आंसर मुझे लगता है नो ही होगा, क्योंकि अगर ये करने के बाद यूजी सुकुना को हरा सकता है तो ये कोई बैड राइटिंग नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी एंडिंग थोड़ी नॉर्मल होगी, जहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगेगी और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नॉर्मल लगेगी और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बेकार लगेगी, क्योंकि यार यूजी जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर है तो वो ऐसा कर सकता है। और यार चलो मान लो वहाँ यूटा की जगह रियल गोजो होता तो क्या ये कोई न्यू चीज होती? क्योंकि यार हम लोग तो यही प्रिडिक्ट करके बैठे थे कि गोजो बाउंडिंग वो से आ सकता है, बट यार रियलिटी में तो ऐसा होता है क्योंकि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, गेगे ऐसा भी कर सकता है। और ऐसी स्टोरी में खतरनाक सरप्राइज देकर गेगे अंधा पैसा कमाता है, क्योंकि यार अगर जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी सिंपल ही लिखनी होती तो क्यों इतनी भसड़ पालनी थी? और अगर तुम गेगे के पुराने वर्क्स देखोगे तो वो अच्छे थे, लेकिन जो जुजुत्सु काइसेन में वो उनमें नहीं है, वो चीज है स्टोरी में ट्विस्ट, जिसकी वजह से जुजुत्सु काइसेन पूरे वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि गेगे अपने मेन कैरेक्टर को मारने से भी नहीं डरता है। शायद तुम मेरे कहने का मतलब समझ गए हो, गेगे का ये करना कहीं से भी गलत नहीं है, बट यार डेफिनेटली इससे बढ़िया हो सकता था, लेकिन ये खराब भी नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।